बावड़ी उपखंड से हैं, जहां कई ग्राम पंचायतों में वर्षों पहले बने पटवार घर आज खस्ता हालात में पहुंच चुके हैं, जिस कारण ग्रामीणों को राजस्व से संबंधित कार्य करवाने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पटवार भवन का जीर्ण शीर्ण हालात में होना पटवारियों के लिए भी परेशानी का सबब है। ऐसा एक मामला नांदिया कला ग्राम पंचायत में बने पटवार घर का सामने आया है, जिसको बने 20 वर्ष से अधिक का समय हो गया है। बनने के कुछ समय तक तो उसे पटवारी बैठा करते थे, लेकिन धीरे धीरे भवन के जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंचने के बाद पटवारियों ने भी दूरी बना ली है। नतीजन ग्रामीणों को राजस्व संबंधित कार्य करवाने के लिए 20 किलोमीटर दूर बावड़ी जाना पड़ता है। कई बार पटवारी गांव में आते हैं तो उनको भी दूसरे कार्यालय में बैठकर कार्य करना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात तो यह है कि इस जिला प्रशासन व राज्य सरकार का ध्यान कब जाता है। पटवार भवन नांदिया कला में काफ़ी समय से जीर्ण अवस्था में है। यहाँ पर अवस्थाएँ हैं, पशु आवारा पशु या बैठते हैं, यहाँ पर बबूल की झाड़ियाँ उगी हुई है। कोई प्रकार की सुविधा पटवार मंडल की यहाँ पर नहीं है। बने हुए लगभग यहाँ पर 30 साल हो गए हैं और 10-12 सालों से यहाँ पर ये भवन की स्थिति ऐसी की ऐसी है। न मीडिया वालों ने और न पंचायती राज के कुछ यहाँ पर कार्य हुए हैं। बाकी पटवारी आते हैं, वो अटल सेवा केंद्र में बैठते हैं और यहाँ पर पटवार भवन की स्थिति ऐसी है, ग्रामीणों को बावड़ी जाकर अपना पटवार का काम करवाना पड़ता है। ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर एंड कॉमेंट करना ना भूलें।